फरीदाबाद के जरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके की है, जहां गली नंबर 8 में स्थित गत्ता बनाने वाली क्लासिक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतने भीषण तरीके से फैली कि देखते ही देखते एक के बाद एक लगभग 3 फैक्ट्रियों में आग लग गई। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक फैक्ट्री में गत्ता बनाने का काम किया जाता है, लेकिन आज फैक्ट्री की छुट्टी थी, जिसके चलते फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक ऑटो कंपोनेंट है, इसके बगल में नियर है क्लासिक गोल्ड है, गली नंबर E8 सरूरपुर में पड़ता है जी, फरीदाबाद में जी। और हमारी कंपनी के बगल में है गोल्ड क्लासिक, इनके यहाँ गत्ते के सोफा का काम होता है। तो आग के कारणों का कुछ पता चला? आग के कारणों का किसी को पता नहीं चला, इसमें कोई था नहीं हमारी फैक्ट्री में। तो कितने लोग काम कर रहे थे आग के दौरान? नहीं, कोई भी नहीं था, फैक्ट्री बंद थी इनकी। फैक्ट्री बंद थी, सीएनजी यहाँ पर, हाँ सीएनजी के लाइन से ही बनता है, सीएनजी की इसमें लाइन है और सीएनजी से ही बनता है वो फॉर्म, जो गत्ते का फॉर्म होता है वो उनके यहाँ काम होता है। और कितनी कंपनियां हैं जो आग की चपेट में आई हैं? नहीं, आग की चपेट में लगभग थोड़ा प्रेस बेल 3 कंपनी, थोड़ा हमारा तो विनायक ऑटो भी थोड़ा आई, 3 कंपनी, 3 कंपनी चपेट में आ गई है जी। और गोल्ड क्लासिक तो बिल्कुल सब खत्म ही हो गई है जी। कितना नुकसान है? नुकसान की अगर बात करें, नुकसान लगभग हमें लग रहा है इनसे करोड़ों से ऊपर है, जो गोल्ड क्लासिक है करोड़ों से ऊपर। तो फायर ब्रिगेड कितनी गाड़ियां? फायर ब्रिगेड गाड़ी 10 फोन किए थे हमारे इंचार्ज साहब, जो गोची के किशन गोपाल जी हैं। फायर ब्रिगेड कितनी गाड़ी मौके पहुंचे? और 10 गाड़ी बुलाए, उसमें 2 गाड़ी आई। आग लगने से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस के मुताबिक जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना मिली, वे अपनी टीम और फायर ब्रिगेड के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने में जुट गए। 8 में फ्लोर नंबर 4 है, क्लासिक के नाम से कंपनी है गद्दे की, इसमें आग लगी, राजेश भटनागर इसका मालिक है, लगी हुई है। में 2-3 कंपनी और उसमें भी आग लगी। कितने लोग काम कर रहे थे आग के दौरान? कितने लोग काम कर रहे? हमने आने के बाद कम से कम 300 आदमी यहाँ से खाली कराए जी, 300 आदमियों को खाली करा कर फैक्ट्रियाँ खाली कराई हैं अड़ोस पड़ोस की सर। तो आग के कारण से 3 कंपनी चपेट में आई है, कितने का नुकसान है? और इस बारे में मुझे नहीं पता क्या नुकसान है, लेकिन ये काफी नुकसान हुआ है, ये दिखाई दे रहा है फैक्ट्रियाँ लगभग कम्प्लीट चली हुई है। दमकल की कितनी गाड़ियाँ मौके पर पहुंची? मौके पर 6 गाड़ियाँ आ जी। बता दें कि फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के साथ साथ अन्य फैक्ट्रियों से लगभग 300 कर्मचारियों को सकुशल बाहर भी निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक एक फैक्ट्री तो लगभग जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आग लगने से हुए नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।